हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शीरू। सो फूडीज, आज हम बनाएंगे एक हेल्दी डिश जिसका नाम है फ्रूट रायता। बिकॉज इसमें बहुत सारे फ्रूट्स मिक्स किए जाते हैं, सो गाइस ये फ्रूट रायता बहुत हेल्दी होता है और आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। गाइस, इसमें काफ़ी अमाउंट में कैल्शियम, मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं, सो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप सबको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और जैसे हम फ्रूट्स नहीं खा पाते या बच्चे नहीं खाते, तो आप इसे बना कर दीजिए, उन्हें ज़रूर बहुत पसंद आएगा और उनके लिए बहुत हेल्दी होगा। सो गाइस ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स ले लिए हैं। गाइस जैसा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेश फ्रूट्स लिए हुए हैं, जैसे कि अंगूर, अनार के दाने, और यहाँ पर मैंने थोड़े से केले को कट करके पीसेस में रख लिया है, और ये मैंने अमरूद की स्लाइसेस कट कर ली हैं। और आप ये सब फ्रूट्स ले सकते हैं, या इससे भी अगर आपके पास कुछ और भी फ्रूट्स हैं, जैसे कीवी हो गया या कुछ और भी, तो आप उन्हें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर्ड लिया है, मैं दो टेबल स्पून कर्ड ले रही हूँ, और मतलब दही। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं। एंड गाइस, अगर पॉसिबल हो तो आप फ्रेश कर्ड यूज़ करिएगा, बिकॉज जो पुराना दही हो जाता है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, उसका फ्लेवर आपको हो सकता है कम अच्छा लगे। एंड सो गाइस, आप फ्रेश कर्ड यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, एंड अब हम इसमें शुगर थोड़ी सी ऐड करेंगे, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत इन्हांस करेगी और आपको खट्टा मीठा फ्लेवर बहुत ही पसंद आएगा। गाइस मैंने यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में शुगर ऐड की है, एंड अगर आपको ज़्यादा शुगर पसंद है, ज़्यादा मीठा आप खाते हैं, तो आप ज़्यादा अमाउंट में शुगर को ऐड कर सकते हैं। एंड अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो शुगर है वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए कर्ड में, और उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे अनार के दाने ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसी तरह से अपने सारे फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अगर आप इसमें एप्पल, कीवी, स्ट्रॉबेरी, कुछ और भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़े से बनाने के स्लाइसेस ऐड कर लिए हैं। एंड गाइस, कर्ड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड जो बनाना होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज इसमें कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट में बहुत ही रिच होता है, और ये स्टूडेंट्स के लिए बनाना बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, वो धीरे धीरे अमाउंट में आपको थोड़ी थोड़ी एनर्जी देता रहता है, और ये आपको फ्रेश रखता है। इससे ज़्यादा बच्चों को नींद नहीं आती है, जैसे कि उन्हें रेगुलर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी में पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, एंड ये आपको कंटिन्यूसली एनर्जी भी प्रोवाइड करता रहता है। एंड गाइस, अंगूर भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे लिए, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और हमारी हेल्थ के लिए आप सब जानते हैं सभी फ्रूट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है, जो कि फ्लेवर को इन्हेंस करेगा, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कच्ची हींग डाली है, जो कि डाइजेशन के लिए हमारी बहुत अच्छी रहती है। सो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए गाइस, मेरा फ्रूट रायता रेडी है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा यम लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ही हेल्दी है। सो गाइस, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सबको बहुत पसंद आएगा, सबको बहुत टेस्टी यम लगेगा, और ये बहुत हेल्दी है। आप सबके लिए बना के दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इसे नाश्ते में, या शाम को इवनिंग स्नैक की तरह, या फिर लंच में या डिनर में आप ले सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये सबको बहुत ही अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। एंड गाइस, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैंने कई सारी रेसिपीज़ अपने चैनल में डाले हुए हैं, सो अगर आपको वो सब देखनी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती जाएँ। सो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपीज़ में। बाय गाइज़।